सुप्रसिद्ध नव युवक मंगल दल रामलीला मैदान सिधारी की आगामी दुर्गा पूजा तैयारी हेतु बैठक संपन्न। आजमगढ़ में दिनांक 27 सितंबर 2020 को आलोक सिंह शुभम के आवास पर नव युवक मंगल दल की आवश्यक बैठक संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता सत्य प्रकाश तिवारी पप्पू पंडित ने की। बैठक में संगठन द्वारा पूर्व में दुर्गा पूजा पर किए गए कार्यों की समीक्षा की गई और साथ ही नए पदाधिकारियों का चयन किया गया। कोविड-19 के दृष्टिगत यूपी सरकार की गाइडलाइन आने के बाद मेले की तैयारी की जाएगी। मुख्य रूप से संरक्षक मंडल व अन्य पदों पर पदाधिकारियों में अध्यक्ष सुनील वर्मा, महामंत्री आलोक सिंह, शुभम व अन्य पदाधिकारियों और कार्यकारी सदस्यों का चयन किया गया। ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान एवं श्रम विभाग आजमगढ़ के संयुक्त तत्वाधान में उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के निर्माण श्रमिकों हेतु पंजीयन शिविर का आयोजन संस्थान कार्यालय पर किया गया, जिसके अंतर्गत श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री शशिकांत पांडे के नेतृत्व में अथरौलिया ब्लॉक के हरदिया, मदनपट्टी, एदिलपुर, पेड़रा, भुड़कुड़ा, चतुर्पुर, मधईपट्टी, चतुर्पुर खास, बसैया, सेनपुर, सिकंदरपुर, अथरौलिया, चिस्तीपुर, सेलहरपत्ती, शेखपुरा के 367 महिला व पुरुष श्रमिकों का पंजीकरण किया गया। इस अवसर पर ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान श्रमिक महिला व पुरुषों के फॉर्म भरने में सहयोग किए। श्रम प्रवर्तन अधिकारी शशिकांत पांडे ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए बताया कि इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों को श्रम विभाग की 13 योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन विभिन्न योजनाओं के लिए अलग अलग आवेदन भी करना पड़ेगा। कार्यक्रम में आए प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए संस्थान के सचिव राजदेव चतुर्वेदी ने बताया कि आज के कार्यक्रम में संस्थान का लक्ष्य था कि संस्थान द्वारा चाइल्ड फंड इंडिया के सहयोग से संचालित महिला किसान समूह के सदस्य परिवार को सरकार की योजनाओं से जोड़ने के क्रम में था। इस तरह का क्षेत्र में पहला शिविर था। लव जिहाद को लेकर हिंदू जागरण मंच काशी प्रांत कार्यकारिणी की बैठक संघ कार्यालय प्रयागराज में सह प्रांत कार्यवाहक आलोक मालवीय के सानिध्य में संपन्न हुई। बैठक में काशी प्रांत सहित पूरे प्रदेश में बढ़ रही लव जिहाद की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रांत अध्यक्ष दिनेश नारायण सिंह एडवोकेट ने की। प्रांत अध्यक्ष दिनेश नारायण सिंह ने कहा कि लव जिहाद हिंदू समाज के अस्तित्व को चुनौती है। हिंदू समाज को लव जिहाद के विरुद्ध हर स्तर पर लड़ाई लड़नी होगी। इस छद्म प्रेम रूप दानव के विरुद्ध व्यापक सामाजिक जागरण कर सतर्कता के लिए अभियान चलाना होगा। प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय होने के कारण प्रदेश भर के लव जिहादी संरक्षण प्राप्त करने हेतु प्रयागराज आ रहे हैं। प्रयागराज उच्च न्यायालय के संबंधित पंथ के अधिवक्ता, जिनकी फंडिंग जिहादी तत्वों द्वारा की जाती है, तथा प्रयागराज के इस्लामिक कट्टरपंथी सुनियोजित ढंग से ऐसे तत्वों को आवासीय सुविधा सहित सभी प्रकार की सुविधा सहायता उपलब्ध कराते हैं एवं संरक्षण देते हैं, जिनका एक रैकेट है, जिनके तार विदेशों से भी जुड़े हुए हैं। इन पर अंकुश लगाना आवश्यक है। प्रांत विधि प्रमुख अमित शाकुंतल एडवोकेट ने इस तरह के कृत्यों में अधिवक्ताओं के शामिल होने तथा उन्हें छद्म वेश में न्यायालय में प्रस्तुत करने में सहयोग करने की आलोचना करते हुए इसे छद्म धर्मांतरण एवं लव जिहाद में सहयोग देना कहा, जो विधि व्यवसाय के प्रतिकूल है। ऐसे घृणित कार्य में लिप्त लोगों को चिन्हित किए जाने की आवश्यकता है। वही कहा, हर हिंदू बेटी हमारी अपनी बेटी है मानकर हिंदू समाज को कुटुम्ब प्रबोधन जागरण सहित स्कूल, कॉलेज, ब्यूटी पार्लर, कोचिंग सेंटर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन आदि प्रमुख स्थानों पर हिंदू युवाओं की टीम गठित करने पर बल दिया तथा हिंदू जागरण मंच द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार से लव जिहाद पर रोक लगाने हेतु धर्मांतरण निषेध कानून लाने की मांग की। हरदोई की सांडी पुलिस ने अंतरजनपदीय शातिर चोर व उसके साथी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 12,000 से अधिक की नकदी, चांदी के सिक्के व तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। ये दोनों सांडी के निभापुर से भैंस चोरी के मामले में वांछित चल रहे थे। मामले का खुलासा करते हुए एसपी पश्चिमी कपिल देव ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसपी अनुराग वत्स के निर्देशन पर एसपी अनिल सिंह वसियो बिलग्राम के निकट पर्यवेक्षण में सांडी थाना प्रभारी अखिलेश कुमार यादव को लगाया गया था। इसी बीच मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि जहरुद्दीन उर्फ फन्नू पुत्र अमरुद्दीन निवासी मजरापुरवा थाना गुरसहायगंज कन्नौज
मुख्तार उर्फ मुख्तर निवासी सखेड़ा थाना सांडी को लखपेड़ा बाग के पास से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इनके पास से 12,000 से अधिक की नकदी, चांदी के सिक्के व तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। ये दोनों सांडी के निभापुर से भैंस चोरी के मामले में वांछित चल रहे थे। प्रयागराज में आगामी 2 अक्टूबर को हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सबसे लंबा तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। ये तिरंगा यात्रा तहसील 12 अंतर्गत चिल्ला मोड़ कुटवारन का पूरा जसरा में जय श्री महाकाल फाउंडेशन के संचालक अरविंद दुबे ने क्षेत्र के समस्त पत्रकारों को कार्यालय पर तिरंगा यात्रा निकालने की सूचना दी और सभी पत्रकारों को सम्मानित किया और कहा कि देश के चौथे स्तंभ को सम्मानित करने अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आने वाले आगामी 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के शुभ अवसर पर पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी जसरा से गोहानिया तक तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। तिरंगे की लंबाई 2100 मीटर रहेगी, जिसकी रूपरेखा तैयार करने में पूरी टीम लगी हुई है। इसी क्रम में कई पत्रकार बंधुओं को गांधी जी की तस्वीर भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। फतेहपुर में सदर कोतवाली के लखनऊ बाईपास के पास दो ट्रकों की सीधी भिड़ंत हो गई है, जिससे हादसे में दोनों ट्रकों में सवार खलासी और ड्राइवर की मौके पर मौत हो गई। देर रात हुई घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंच कड़ी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को गाड़ी से बाहर निकाला है। वहीं हादसे में घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बता दें कि लखनऊ बाईपास के पास तेज रफ्तार दो ट्रकों की आमने सामने सीधी भिड़ंत हो गई थी, जिसके बाद हाईवे पर लंबा जाम भी लग गया था। पुलिस ने किसी तरह हालात पर काबू पाया। अलीगढ़ में फरियादी अब नहीं मिल सकते एसएसपी से। आधा दर्जन अधिकारियों से फरियाद लेकर एसएसपी ऑफिस के सभी कार्यालय किए गए बंद। आज हुई जांच के दौरान दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी निकले कोरोना पॉजिटिव। एसएसपी व एसपी सिटी 2 दिन पहले हुए थे कोरोना पॉजिटिव। अग्रिम आदेश तक एसएसपी ऑफिस रहेगा बंद। दरअसल सिविल लाइन थाना क्षेत्र के तस्वीर महल स्थित एसएसपी कार्यालय पर आज अधिकारियों के आदेश पर कोरोना टेस्ट हुए थे। टेस्ट के दौरान एक दरोगा सहित 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसी दौरान पुलिस अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि अग्रिम आदेश तक एसएसपी ऑफिस से संबंधित जितने भी कार्यालय हैं वो बंद रहेंगे। साथ ही एसएसपी ऑफिस पर बैठने वाले आधा दर्जन अधिकारियों से भी नहीं होगी मुलाकात। 2 दिन पहले एसएसपी सहित एसपी सिटी भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। वहीं जिले की बात की जाए तो कोरोना पॉजिटिव की संख्या 8,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। मौत का आंकड़ा भी 57 पहुंच चुका है। लगभग 6,000 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। लगभग 2,000 केस आज भी एक्टिव हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कोरोना जैसी महामारी से कैसे जंग जीतेंगे।